अगर 2 महीने जेल में जाऊँगा तो मुझे तो लग रहा है पिकनिक समझ के मैं अंदर जाके बैठूंगा, लेकिन जो बाहर चमचेगिरी कर रहे हैं उनकी तो 100% धुलाई करूँगा। ये बात आप ध्यान से रखें। जिस दिन पर अगर मैं जेल में बैठा, जो बाहर घूमे उनकी तो वाट लगा दूंगा और मेरे को कोई भी कानून मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को अंदर करे। फिर बात वहाँ गुटखा रखा, क्वार्टर रखी गई और पुलिस वाले आके हमको घेर लिया और 200-250 पुलिस। तो उनका प्लानिंग था कि मेरे ऊपर किडनैप का केस बनाए। मुझे भी खराब लग रहा था कि क्या है ये राजनीति, इतनी गंदी राजनीति। और मैं थोड़ा झगड़ा करने लगा तो CM का फ़ोन आया कि जना मामा अच्छा इंसान है, मुझे बात करना है। तो मैं बोला मुझे नहीं बात करना। तो जहाँ खाना खाया वहाँ इतनी बड़ी गद्दारी। उनको बच्चे के ऊपर केस करेंगे, उनको ऊपर दबाव डालेंगे। यार इतना गंदा राजनीति करके क्या आप कमा रहे हैं? शिंदे साहब तो मेरे अच्छे दोस्त थे, अभी नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन दोस्त। अगर मैं अंदर गया तो तुम 2-4 लोग तो मार खाएंगे 100%। ये उनको मैं उस दिन भी बोला है। फिर वो डर के ये डिसीजन लिया कि क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सामने बोला कि मुझे कोई जेल का फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पुलिस वाले को भी बोला, अब भी बोला, आप मैं अब भी कपड़ा उतार के बैठ जाता हूँ। राजनीति में अपमान और सम्मान, कूटनीति रणनीति आम बात है। इसी को लेके महाराष्ट्र के शिवसेना में विवाद हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अलग हुए, शिवसेना भी अलग हो गई, 2 गुट बन गए। जो पहले साथ में काम करते थे अब वो अलग अलग हो गए। और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में जितने शिवसैनिक थे, जितने पदाधिकारी थे, सब पे पड़ा। पालघर जिला परिषद के चुनाव के बाद पालघर जिला परिषद के सदस्य और अध्यक्ष को लेके फिर से एक बार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच घिसातानी शुरू हो गई है। जिनके ज़्यादा सदस्य होंगे उनके ही अध्यक्ष बैठेंगे। इसी विवाद को लेके एक नया विवाद सामने आया है। विवाद कुछ ऐसा है कि पालघर जिले के जन्या मामा जनार्दन पाटिल, जिन्हें शिवसेना पालघर जिले के लोकसभा संगठक के रूप में नियुक्त किया गया है, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी है कि जिला परिषद के अध्यक्ष को चुन के लाना है और इसीलिए बीते दिनों काफ़ी परेशान किया गया उन्हें और उन्हें पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा गया और कई घंटों इंक्वायरी की गई। एकनाथ शिंदे एक वक्त था जब जनार्दन पाटिल उर्फ जनिया मामा के करीबी थे और अब राजनीति के चलते काफ़ी दूरी बढ़ते जा रही है। तमाम चर्चे हैं, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके हम मामा से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त राजनीति और महाराष्ट्र दोनों का तालमेल कुछ ज़्यादा हो रहा है। पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र के राजनीति पे टिकी है। मामा नमस्कार। नमस्कार। कुछ दिनों पहले एक विवाद हुआ और आपको नज़रबंद किया गया, इंक्वायरी बैठाई गई और आपको पुलिस चौकी में कई घंटों रखा गया। क्या था पूरा मामला? देखिए परसों का ही बात है। हम लोगों को जिला परिषद में पूरे टोटल 57 सीट है, तो जिसका मेजोरिटी रहेगा 29 का, उनका अध्यक्ष बैठता था। तो हमारे पास 30 की मेजोरिटी थी। इसके लिए हमने हमारे सदस्यों को पूरा सेफ जगह पे रखने का प्लान किया। पार्टी का आदेश था, तो जो जो हमारे सदस्य है उनको हमने बम्बई में कई दिन रखा और हमारा पूरा प्लानिंग चालू था कि 16 तारीख तक इनको सेफ जगह रखना है। उसके बाद में पार्टी का आदेश आया तो हम लोग और कहीं निकल गए। हमारे साथ में और लोग थे और शिंदे के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, मतलब शिंदे खुद परेशान थे कि ये कहाँ गए। उसके बाद में जो हमारी राउत मैडम है जवार की, हम लोग लोनावला के पीछे साइड पे थे। अच्छे थे सब लोग, मिलके काम खुश थे सब लोग। इतने दिन से पिकनिक समझ के हम लोग गए थे। तो उनके घर पे उनका लड़का पढ़ रहा है पुणे में, MPC या UPC की कुछ पढ़ाई कर रहा है वो। उनका होटल है, वो होटल में इन लोगों ने रात को वहाँ गुटखा रखा, क्वार्टर रखी गई और उनके हस्बैंड को 1 बजे उठाया, मतलब पूरा दबाव। और उनको बोला गया कि अगर आपकी वाइफ कहाँ है ये बोलेंगे नहीं तो हम लोग आपके लड़के के ऊपर एक केस बनाएंगे, उनका पूरा लाइफ ख़राब कर देंगे। तो साफ सुथरी बात है, आदमी तो डर ही जाएगा। तो बस लोकेशन वो मैडम का ट्रेस हो गया और हम लोग सुबह में 9 बजे के करीब पूरा पुलिस वाले आके हमको घेर लिया और 200-250 पुलिस। और पूछा गया तो थोड़ा हमने दबाव डाला पुलिस के ऊपर कि आप हमारे सदस्य का स्टेटमेंट ले लो। उनका प्लानिंग था कि मेरे ऊपर किडनैप का केस बनाए, लेकिन हमारे सदस्य ईमानदार थे। उन्होंने बताया कि हम लोग खुशी से आए और लेडीज़ थी 3-4, उनके हस्बैंड भी साथ में थे, उसमें से एक डॉक्टर भी है, और सब मिलजुल के अच्छे खुशी से थे। तो उन्होंने बताया कि हमें किसी ने ज़बरदस्ती नहीं लाया, हम पिकनिक के लिए आए और हम साथ में हैं सब लोग। तो एक बार अगर उनका जवानी लिया तो बात ख़त्म होना चाहिए, वो हमेशा 1-1 घंटे में जवानी लेना, तो थोड़ा हमारा आपस में अमृत उम्र हो गया उन लोगों से। पाठक के पिए थे गाँव का, दोस्त है मेरा अच्छा, और कहीं बोईसर के 2-4 कार्यकर्ता थे, तो हो गया हम लोगों का अमृत उम्री। तो मुझे तो कोई जेल बिल से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको साफ सुथरा बात बताता हूँ। लेकिन मेरे साथ में और लोग थे, मेरा लड़का भी था साथ में, और यहाँ के किशोर पाटिल करके नगर सेवक है नाला सोपारे के, वो भी हमारे साथ में थे, मेरे और 2-3 दोस्त लोग थे। तो मैं जब उनको बात करने लगा, लड़ने लगा, झगड़ा करने लगा, तो वो समझ गए कि ये यहाँ है तब तक सब सदस्य सेफ, मतलब अपने हाथ में नहीं आ सकते। तो मुझे ज़बरदस्ती पुलिस वाले ने उठा के अंदर कर दिया। मुझे अंदर करने के बाद में थोड़ी ताकत उनकी कम हो गई, लेकिन फिर भी हमारे लड़के ने हमारा गढ़ प्रमुख था, उसको पीछे के दरवाजे से, मतलब पूरा रिसोर्ट में पूरा पैक किया था, तो पीछे एक जगह था, वहाँ से दोनों को हमारे लड़के ने भगा दिया। वहाँ के शिवसैनिक भी जमा हो गए थे, उन्होंने बताया कि अपने घर पे भेज दो। तो पुलिस को थोड़ा चकमा दे के दोनों निकल गए, और लेडीज़ थे, उसमें एक लड़की 8 महीना उसका पेट से है और एक 6 महीने की है, मतलब बहुत परेशानी में थे सब लोग। और सबको हम लोग लेके गए, जब उल्टी भी हो रही थी, तो इतना तकलीफ होने के बाद में भी उद्धव साहब के साथ में वो लोग डट के खड़े थे। तो मुझे भी ख़राब लग रहा था कि क्या है ये राजनीति, इतनी गंदी राजनीति। और उसके बाद में जब इन लोगों ने रेड किया तो पूरा प्रेशर सबके ऊपर, और मैं थोड़ा झगड़ा करने लगा। तो सीएम का फ़ोन आया कि जना मामा अच्छा इंसान है, मुझे बात करना है। तो मैं बोला मुझे नहीं बात करना है, क्योंकि मैं उद्धव साहब के गट का हूँ अभी, और मुझे मालूम है कि मेरा फ़ोन लेने के बाद में रिकॉर्डिंग होगा, और वो बोलेंगे कि ये प्लान जनामामा ने किया था, ऐसा भी बोल सकते, मेरे को बदनाम भी कर सकते थे वो लोग। तो मैं बोला मुझे नहीं बात करना है। इनकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि मेरे कई दोस्त लोग वही गोवा के, वहाँ कांटेक्ट किया, वहाँ से मुंबई में कांटेक्ट किया, अभी नाम नहीं बताता हूँ मैं आपको, और उनको बोला कि आपको मामा को समझाना है कोई भी कंडीशन में। तो उनका मुझे फ़ोन आया, तो मैं बोला भाई देखो ये राजनीति है, दोस्ती अपना वहाँ तक सब ठीक है, लेकिन राजनीति में ये होते रहता है। और हमारे दोस्त ने फ़ोन किया, तो मैं बोला जब सदस्य अपने जगह पे ठाम है, डट के खड़े, तो मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ। तो उन्होंने पूरा ताकत लगाया इधर उधर होने की। मुझे शिंदे साहब तो मेरे अच्छे दोस्त थे, अभी नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन दोस्त थे अच्छे। उनके साथ में मैंने इलेक्शन के टाइम पर रात दिन काम किया, उनको मेरे काम करने की आदत मालूम है, और अगर उन्होंने आदेश दिया तो आदेश का हम लोग पालन करते थे। तो उस टाइम पर पालघर थाना उद्धव साहब ने शिंदे के अंडर में दिया था, तो वो जो काम करते थे, पाठक को भी मालूम है मेरा काम करने का तरीका क्या है, वो हम करते थे। अभी मुझे शिंदे साहब को एक आपके पत्रकार के माध्यम से मैसेज देना है कि एक जिला परिषद के लिए आप इतने परेशान हो, इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, उतना 200, 250, 300 पुलिस हमारे पीछे लगाई। तो शिंदे साहब को मेरा एक आपके माध्यम से मैसेज है कि अगर आप गुवाहाटी गए, आपको तो सब कुछ दिया ना शिवसेना ने, तो उद्धव साहब को कितनी तकलीफ हुएगी, आपने तो पूरा महाराष्ट्र के शिवसैनिकों को तकलीफ दिया है। अगर एक जिला परिषद के लिए आपको इतना परेशानी हो रही है, तो अगर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति आपने उल्टी सुल्टी की है, तो यहाँ के शिवसेना के लोगों को कितना तकलीफ हो गया। तो आपको समझना चाहिए ना, एक घर में 2 टुकड़े आपने किए, हम हमारे जगह पे है। तो ये सब इतना दबाव डाल के राजनीति करना कहाँ तक अच्छा है, मेरे को आप बोलो। मेरा एक सवाल था आपसे कि एक वक्त था, एकनाथ शिंदे आपके करीबी थे, आपके दोस्त थे, जब अलगाव हुआ शिवसेना में, आपने तब भी कहा था कि नहीं आपके वो दोस्त हैं, लेकिन जो अब हुआ जिसे दोस्ती खत्म हो गई। नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, अच्छे पोस्ट पे है, लेकिन वो जो कर रहे हैं या उनके लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, इतना दबाव डाल के काम करना। हमारे सदस्य बोल रहे हैं कि हम लोग खुशी से आ रहे हैं। तो शिंदे साहब को मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इससे आप क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आपका आप मुख्यमंत्री हो, पूरा पुलिस नियंत्रण आपके हाथ में है, तो आप दबाव डाल सकते हैं, लेकिन शिवसेना का दिल नहीं जीता सकते। जो घर पे, जो होटल में आप खाना खा रहे थे, जब भी आप वहाँ प्रचार में आते थे तो वही आपका खाना होता था। तो हमारे लाइन में, राजनीति छोड़ के हमारे लाइन में जहाँ हम खाना खाते हैं ना, वहाँ गद्दारी नहीं करते, ये हमारे एक लाइन का हिसाब है। अभी राजनीति में होते रहता है, तो जहाँ खाना खाया वहाँ इतनी बड़ी गद्दारी, उनको बच्चे के ऊपर केस करेंगे, उनको ऊपर दबाव डालेंगे। यार इतना गंदा राजनीति करके क्या आप कमा रहे हैं। और देखते देखते 4 महीना तो निकल गया, 2 साल ऐसा ही निकल जाएगा, बाद में क्या आपकी हालत होगी। तो ये जो कर रहे हैं, अभी भी सुधर जाओ, ऐसा मेरा शिंदे साहब को मेरा एक विनंती रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी सुधर जाओ। क्या है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले से ऐसे थे कि मुख्यमंत्री अब बनने के बाद ऐसे हो गए, क्या कहेंगे आप। नहीं, पहले बहुत अच्छे थे। मैं आपको ये भी बताता हूँ, और जब नगर रचना मंत्री था तो उनके चेहरे पर रौनक देखो, क्योंकि हम बहुत नज़दीक उनके रहे हैं। तो क्या सत्ता का नशा है? नहीं, अभी भी उनके ऊपर दबाव है। सत्ता का नशा नहीं मैं बोल सकता। आज उनके चेहरे पर रौनक दिख रही है क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के बाद में भाजपा का दबाव है, पर उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है सब। हमें उनको एक मैसेज देना है। आपको हमारा अगर कल मुझे बोलने मिलता, वो क्या हमारे सीनियर उठे तो मुझे नहीं बोलने मिला, लेकिन उसमें पूरा स्टोरी मेरे लाइव में था ना, उसमें तो मैं आपको कल अगर भाषण मुझे करने मिलता तो पूरा पत्रकार में ये बात फैल जाती थी। इसके लिए मैंने आपको आज बोला। एक सवाल और भी है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद अभी तक किसी चैनल ने ये चीज़ नहीं दिखाया, कोई पत्रकार या कोई जिले का चैनल एक खबर नहीं दिखाया। कल इतनी बड़ी सभा थी नाला सोपारा में, तमाम वहाँ पे बड़े नेता आए थे, आमदार आए थे, उस वक्त आप भी वहाँ मौजूद थे, तो आपको ये मुद्दा वहाँ रखना चाहिए था। आपने कल क्यों नहीं रखा? नहीं, मैं बोलता हूँ उसमें किसी की गलती नहीं है। बड़ा प्रोग्राम था, उसमें इधर उधर होता है। बात यह था कि मेरा भाषण रखा था, लेकिन क्या हो गया, हमारे सीनियर जब उठे और उसके बाद में मुझे बोलना ये अच्छा नहीं लगता है। होता है बड़े, जब थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, उसमें किसी को मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ, और उनकी गलती भी नहीं। अगर वो मुझे बोलने देते तो सब पिक्चर खुला होता था, लेकिन इसमें कोई शिवसैनिक का दोष है ऐसा मैंने बोला हूँ। बड़ा प्रोग्राम था, उसमें थोड़ा सा आदमी इधर उधर हो जाता है, तो हो सकता है गलती हुई होगी उनकी। बोल के उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला कि आपने बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोला सर आप जब उठे तो उसके बाद में मुझे बोलना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला। तो बोला नहीं होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए कोई मैं वो किसी के ऊपर नाराज़ हुई ये बात नहीं। मुझे शिंदे साहब को यही कहना है कि आप यहाँ से गुवाहाटी गए, उद्धव साहब के आँख में आंसू आए, तो आपको भी सोचना चाहिए था ना, आपने वहाँ जाके क्या कमाया है? खाली मुख्यमंत्री हो गए ना, आप अंदर से खुश हो क्या? आपका चेहरा तभी भी हमने देखा, आज भी देख रहे हैं ना हम लोग, आपको भी टीवी पे देख रहे हैं। बल्कि उन्होंने बता भी दिया कि जना मामा बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उनसे बात करना है, वो गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन आप गलत कर रहे हैं ना, मैं तो मेरी जगह पर सही था। और कोई भी शिवसैनिक अगर सीएम बात करना चाहते हैं तो हंस के या उठ के खुशी से जाता था, लेकिन मैं 5 बार मुझे फ़ोन किया, 5 बार मैं बोला नहीं मुझे बात ही नहीं करना है, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये रिकॉर्डिंग करने के बाद में कल में ये मेरे ऊपर आरोप भी लगा सकते थे कि ये पूरा प्लानिंग जना मामा का था और जना मामा हमारा आदमी है, और वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, ये हमको पूरा कहीं ऐसा तो नहीं है कि पालघर जिले में जना मामा को टारगेट किया जा रहा है, एकनाथ शिंदे टारगेट कर रहे हैं कि इन्हें कमज़ोर किया जाए, इन्हें फंसाया जाए, इन्हें जेल में रखा जाए, तो शायद यहाँ पे शिंदे गुट जो है मजबूत होगी और उद्धव गुट जो है कमज़ोर होगी। कुछ ऐसा नहीं है? देखो मैं अभी भी आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, मैं जेल बिल से डरने वाला नहीं है। अगर मैं जेल में जाएगा तो जिसके साथ में सिक्योरिटी वो रहेंगे, जो घूम रहे हैं ना, उनकी तो वाट लगा दूंगा, ये भी मैं बोलता हूँ। उस दिन भी सामने बोला वो, अगर मैं अंदर गया तो तुम 2-4 लोग तो मार खाएंगे 100%, ये उनको मैं उस दिन भी बोला है। फिर वो डर के ये डिसीजन लिया कि क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सामने बोला कि मुझे कोई जेल का फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पुलिस वाले को भी बोला, अब भी बोला आप, मैं अब भी कपड़ा उतार के बैठ जाता हूँ। लेकिन पुलिस वाले भी हमें बोल रहे थे कि हमें सब मालूम है, लेकिन सीएम का आदेश है तो हम क्या कर सकते हैं। मामा कभी क्राइम वाले आते हैं आपके ऑफिस में, कभी आपको पुलिस हर तरफ से घेर लेती है, तो मामा आखिर क्या हैं? इस तरह से परेशान करना, या फिर आज के तारीख में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए खाली एक ही काम है कि पालघर जिले में जनार्दन पाटिल को परेशान करना है, कमज़ोर करना है। देखिए क्या लगता है आपको? देखिए मैं उनको मालूम है ना, पूरा विलास तरी को मैं लेके गया था तो वो साथ में थे ना, वो विजय पाटिल को लेके गया था तब साथ में थे। मेरा काम करने का तरीका उनको मालूम है, मैं क्या कर सकता हूँ वो सब उनको आइडिया है। डरे हैं आपसे वो, आप अभी समझो पालघर में तो मैं हंगामा करूँगा 100%। ये बात डरे हैं कहीं ना कहीं, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, आज सीएम है वो, मैं छोटा इंसान हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा काम करने का तरीका देखा है और वो आदेश दिया है उन्होंने मुझे पहले भी, तो मैंने काम भी किया है, वो बात ऐसा नहीं है जी। मैं और वो दिघे साहब के साथ में काम करते थे, तो दिघे साहब ने हमको ये सब नहीं सिखाया ना। दिघे साहब ने प्यार मोहब्बत से सबका दिल जीता है, ये सब ब्लैकमेलिंग करके, या दिघे साहब ने बोल दिया अगर उसको मारना है तो मारना है, तो वो मर्दांगी का बात था, ये सब गलत हो रहा है। अभी दिघे साहब के शिष्य आप भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे, आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक ही गुरु के 2 शिष्य और इतना अलग अलग कैसे? देखिए हम अलग नहीं ना, हम हमारे रास्ते पे चल रहे हैं। हम 92 से काम कर रहे हैं शिवसेना का, आगरे सेना का भी। मैं जब जिला अध्यक्ष था तब भी मैं शिवसेना को ही सपोर्टर था, तो हम अभी भी हमारे जगह पे रास्ता उन्होंने उनका गलत किया, तो हम उनके साथ में नहीं जाएंगे ना। मेरा आखिरी सवाल आपसे एक था कि शिंदे गुट शिवसेना शाखा के लिए विवाद करती है, शिंदे गुट जो है कार्यकर्ताओं के लिए विवाद करी है, शिंदे गुट जो उनके सदस्य हैं उनके लिए विवाद कर रही हैं, कल परसों जो आपके साथ में हुआ 2-3 दिनों पहले, जिस तरह से पालघर जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए जो लड़ाई चालू है, तो आने वाले वक्त में, हालांकि आप आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि आप जेल के अंदर चले जाएंगे, कोई आरोप लगा दिया जाएगा। उस वक्त जैसे आपने बताया कि उस वक्त भी आपके ऊपर अपहरण केस हो सकता था या फिर होने वाला होगा, प्लानिंग था। तो अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे आप, और आपकी प्लानिंग क्या है, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैंने जिस दिन मुझे पद दिया गया है, मेरे वाइफ को और मेरे बच्चों को मैंने बोला है ये अपने ऊपर हो सकता है, तो ये सब चीज़ से, जेल बिल से डरने वाला मैं नहीं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं लोगों का सेवा कर रहा हूँ और मुझे सुबह से शाम तक सेवा करना है। अगर 2 महीने जेल में जाऊँगा तो मुझे तो लग रहा है पिकनिक समझ के मैं अंदर जाके बैठूंगा, लेकिन जो बाहर चमचेगिरी कर रहे हैं उनकी तो 100% धुलाई करूँगा। ये बात आप ध्यान से रखना। जिस दिन पर अगर मैं जेल में बैठा, जो बाहर घूमे उनकी तो वाट लगा दूंगा, और मेरे को कोई भी कानून मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को अंदर करे, फिर बताता हूँ मैं क्या है। जनार्दन पाटिल, देखो आपको ये जेल वेल मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, और मेरे इशारे पे मैं कुछ भी कर सकता है। भले वो सीएम है, ठीक है, वो उनके पास आज पूरा, लेकिन 24 के बाद में। और आप जो कर रहे हैं, जो घर में अनाज आप खाए, उधर इतना बड़ा गद्दारी, ये कोई राजनीति में होता है? कांग्रेस भी थे और पार्टी की भी राजनीति हो गई, लेकिन इतना गंदा राजनीति किसी ने नहीं किया। तो जो आज महाराष्ट्र में चल रहा है उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, वहाँ शिंदे गट का अध्यक्ष बन जाए या शिवसेना का, मेरा काम था, मैं जो पार्टी का काम कर रहा हूँ और मेरा काम करने का तरीका वैसे है। जिसको मैं साथ देता हूँ मरते दम तक दूंगा जी, ये मेरा आदत है। धन्यवाद। कमाल की बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हर एक ज़िले पे, महाराष्ट्र के 36 ज़िले और 36 ज़िलों के हर एक ज़िलों पर नज़र बनाए रखे हैं। वो देख रहे हैं कि शिवसेना के कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं, कौन से ऐसा नेता हैं जो उनके गुट को कमज़ोर कर सकते हैं। उनको लगातार परेशान करना, उनको हैरान करना और कमज़ोर करने का काम इस समय एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। पालघर जिले में जनार्दन पाटिल जनेमामा शिवसेना के लोकसभा संगठक के रूप में उनका नियुक्ति किया गया है। उनके आने के बाद बदलाव होना भी शुरू हो गया है। कई प्रधान भी चुन के आ गए हैं, ग्राम प्रधान। अब जिला परिषद सदस्य को लेके मारामारी चालू है। जिला परिषद सदस्य के अध्यक्ष के लिए जो मारामारी और घिंचातानी चालू है, और देखना इसमें ये होगा कि आने वाले वक्त में मामा कमज़ोर होकर दब जाते हैं। वक्त बताएगा क्या होता है, लेकिन जो राजनीति चालू है और जो अभी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत है और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में रवि पंडित, ओके न्यूज़, विरार।